प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया हूँ आपका राष्ट्र और पंचांग जो चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज मंगलवार 24 मई 2022 है। विक्रम संवत 2179, शक संवत 1944 शुक्रत। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है जो प्रातः 10:45 तक रहेगी। तत्पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 5:26 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 7:10 पर होगा। पूर्वाभात पर नक्षत्र है जो रात 10:33 तक रहेगा। तत्पश्चात उत्तराभात पर नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। विश्वकुंभ योग है जो रात्रि 11:41 तक रहेगा। तत्पश्चात प्रीत योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य नक्षत्र कृतिका है। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:04 से 4:45 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय 4:24 से 5:26 तक रहेगा। अभ्युदय मुहूर्त का समय है दिन के 11:51 से 12:46 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होगा। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:35 से 3:30 तक। अमृत काल का समय है 2:30 से 4:06 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय है रात्रि 10:33 से 5:26 तक। अशुभ समय राहु काल का समय है दिन के 3:44 से 5:27 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। हट बचते कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल ना हो इसलिए समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। आज पंचक पूरा दिन है। जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी अपने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। पूरे दिन सावधानी और सतर्कता बरतने का है। बिजनेस के मामले में थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ सकता है, आगे बड़ा लाभ भी हो सकता है। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज दोपहर के बाद उलझनों के बावजूद पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका ध्यान नई योजनाओं में लगेगा। कानूनी विवाद में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन की योजना सफल हो सकती है। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप रचनात्मकता के साथ किसी विशेष कार्य को अंजाम दे सकते हैं। दिन काफ़ी रचनात्मक है। जो काम आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है आज वही करने को मिल सकता है। नई योजनाएं भी दिमाग में आ सकती हैं। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज समाज में आपकी कीर्ति बढ़ेगी। शाम तक व्यापार में कोई विशेष डील कर सकते हैं। राज से विशेष सम्मान प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। भौतिक विकास का योग भी बना हुआ है। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आपकी कार्यों में रुकावटें भी डालने का कोई प्रयास कर सकता है। वैसे तो दिन काफ़ी व्यस्त रहने का कहा जा सकता है, लेकिन धर्म अध्यात्म के मामले में पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा समय निकाल लेना ही अच्छा होगा। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज भाग के भरोसे पर बैठे न रहें, आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। आपसी वार्ता व्यवहार में संयम और सावधानी बरतें। रात्रि के समय स्थिति में सुधार होता दिखेगा। जानते हैं अगली राशि
तुला राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अधूरे काम निपट सकते हैं, महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हो सकती हैं। दिन सृजनात्मक कहा जा सकता है, जो काम लगन के साथ करेंगे आज उसका फल भी समय से मिल सकता है। व्यवसाय में सहयोगी आपका सहयोग करेंगे। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काम में नई जान आ सकती है, धन के हालात आज काफ़ी मजबूत रहेंगे, दिन भर लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। नौकरी या व्यापार में कुछ नवीनता ला सकते हैं तो आगे चलकर लाभ होगा। जानते हैं अगली राशि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज व्यापार में जोखिम उठाने का परिणाम हितकर रहेगा, दिन लाभदायक रहेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपको अभी तक कमी रही। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता समझें। जानते हैं अगली राशि मकर राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कई प्रकार के काम एक साथ हाथ में आने से व्यग्रता बढ़ सकती है। दिन सामान्य रहेगा। भागीदारी में साझे में किया गया व्यापार काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। ईमानदारी और निर्धारित नियमों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज व्यापार के मामले में यह सुखद दिन व्यतीत होगा। आपके स्वास्थ्य के प्रतिदिन सावधानी बरतने का है, जल्दबाजी में कोई भी भूल हो सकती है, इसलिए प्रत्येक कार्य सोच समझ करने का प्रयास करें। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज नए प्रोजेक्ट पर कुछ काम शुरू हो सकता है, दिन आपके लिए लाभदायक है। कार्य व्यवहार से जुड़े सभी विवाद आज सुलझेंगे। जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक और आसपास के लोग कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बनाए रखें। दोस्तों ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94-53-555-111 पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, आइकन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94-53-555-111 पर प्रत्येक दिन।